नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम इतिहास को यात्रियों के नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इब्न बतूता के माध्यम से इतिहास को जानेंगे। पिछली वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता अरब यात्री, विद्वान तथा लेखक थे। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में उनका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी में हुआ था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता आरंभ से ही बड़े धर्म अनुरागी थे। उसे मक्के की यात्रा तथा प्रसिद्ध मुसलमानों का दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी और इसी आकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से वह केवल 21 वर्ष की आयु में यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है। चलते समय उसने यह कभी ना सोचा था कि उसे इतनी लंबी देश देशांतरों की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। मक्के आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करना प्रत्येक मुसलमान का एक आवश्यक कर्तव्य है और इसी उद्देश्य से सैकड़ों मुसलमान विभिन्न देशों से मक्का आते रहते हैं। इन लंबी यात्राओं को सुलभ बनाने के लिए कई संस्थाएं उस समय मुस्लिम जगत में उत्पन्न हो गई थी, जिनके द्वारा इन सबको हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थी और उनका पर्यटन बड़ा रोचक और आनंददायक बन जाता था। इन्हीं संस्थाओं के कारण दरिद्र से दरिद्र हाजी भी दूर दूर के देशों से आकर हज की यात्रा करने में समर्थ होते थे। इब्न बतूता ने इन संस्थाओं की बार बार प्रशंसा की है, वह उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञ है। इनमें सर्वोत्तम वह संगठन था जिनके द्वारा बड़े से बड़े यात्री दलों की हर प्रकार की सुविधाओं के लिए हर स्थान पर आगे से ही पूरी पूरी व्यवस्था कर दी जाती थी एवं मार्ग में उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी कर दिया जाता था। प्रत्येक गांव तथा नगर में खानकाहें, जिन्हें हम मठ कह सकते हैं, तथा सराय, उनके ठहरने, खाने पीने आदि के लिए व्यवस्थाएं की होती थी। धार्मिक नेताओं के लिए तो विशेष आवभगत की व्यवस्था थी। हर जगह शेख, काजी आदि उनका विशेष सत्कार किया करते थे। इस्लाम के भ्रातृत्व के सिद्धांत का यह संस्था एक उज्ज्वलत उदाहरण थी। इसी के कारण देश देशांतरों के मुसलमान बेखटके तथा बड़े आराम से लंबी लंबी यात्राएं करते थे। दूसरी सुविधा मध्यकाल के मुसलमानों को यह प्राप्त थी कि अफ्रीका और भारतीय समुद्री मार्गों का समूचा व्यापार अरब सौदागरों के हाथ में था और ये सौदागर भी मुसलमान यात्रियों का उतना ही आदर किया करते थे। अब हम जान लेते हैं इब्न बतूता के भ्रमण के बारे में। इब्न बतूता दमिश्क और फलिस्तीन होते हुए एक कारवे के साथ मक्का पहुंचा। यात्रा के दिनों में दो साधुओं से उसकी भेंट हुई, जिन्होंने उसे पूर्वी देशों की यात्रा के सुगत सौंदर्य का वर्णन किया। इस समय उसने उन देशों की यात्रा करने का संकल्प कर लिया। मक्के से इब्न बतूता इराक, ईरान, मोसुल आदि स्थानों पर घूमकर 1329 ईस्वी में दोबारा मक्का लौट गया और वहां 3 वर्ष ठहरकर अध्ययन तथा भगवत भक्ति में लगा रहा। बाद में उसने फिर से यात्रा आरंभ की और दक्षिण अरब, पूर्वी अफ्रीका तथा फारस के बंदरगाह हुरमुज से तीसरी बार फिर से मक्का पहुंच गया। वहां से वह क्रीमियों, खीवा, बुखारा होते हुए अफगानिस्तान के मार्ग से भारत आया। भारत पहुंचने पर इब्न बतूता बड़ा वैभवशाली एवं संपन्न हो गया था। अब हम जान लेते हैं इब्न बतूता के भारत प्रवेश के बारे में। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय में भारत में आया था। भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके इब्न बतूता सीधा दिल्ली पहुंचा, जहां तुगलक सुल्तान मोहम्मद ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे अपनी राजधानी का काजी नियुक्त कर दिया। इस पद पर वह पूरे 7 वर्ष तक रहा। इसमें उसने सुल्तान को अत्यंत निकट से देखने का अवसर मिला। इब्न बतूता ने हर घटना को बड़े ध्यान से देखा और सुना। 1342 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने उसे चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा। तुरंत दिल्ली से प्रस्थान करने के थोड़े दिन बाद ही वह बड़ी विपत्तियों में पड़ गया और अपनी जान बचाकर अनेक आपत्ति सहता वह कालीकट पहुंच गया। ऐसी परिस्थिति में सागर की राह से चीन जाना व्यर्थ समझकर वह भूभाग से यात्रा करने निकल पड़ा और लंका, बंगाल आदि प्रदेशों में घूमता हुआ चीन जा पहुंचा।
किंतु शायद वह मंगोल खान के दरबार तक नहीं गया था। इसके बाद उसने पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका तथा स्पेन के मुस्लिम स्थानों का भ्रमण किया और अंत में टिनबकट आदि होता हुआ 1354 ईस्वी के आरंभ में मोरको की राजधानी फेज लौट गया। इस तरह इब्न बतूता एक महान यात्री बना। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान यात्री था। अनुमानतः उसने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। इतना लंबा भ्रमण उस युग में शायद ही किसी अन्य यात्री ने किया हो। फेज लौटकर उसने अपना भ्रमण वित्रांत सुल्तान को सुनाया। उसका वर्णन अतिशयोक्तियों से भरा होने पर भी सामान्य रीतियों से विश्वसनीय था। सुल्तान के आदेशानुसार उसके सचिव मोहम्मद इब्न जुजेज ने उसे लेखबंद कर दिया। इब्न बतूता का बाकी जीवन अपने ही देश में बीता। इब्न बतूता के भ्रमण वृत्तांत को तूफत अल नजार फी गरायब अल अमसार व गजायब अल अफसार का नाम दिया गया। इसकी एक प्रति पेरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसके यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारतीय इतिहास की अत्यंत उपयोगी सामग्री मिलती है। इब्न बतूता ने सुल्तान द्वारा जिन कारणों से राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद ले जाने का आदेश दिया गया था और जिस रीति से दिल्ली को पूरी तरह से खाली कराया गया था, उसे उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। अंततः इब्न बतूता की मृत्यु 1377 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों, विदेशी यात्री इब्न बतूता की यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।